जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, जिसका नाम है डिविडेंड। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट की जानकारी रखते हैं तो ये जो शब्द है डिविडेंड, ये आपको जरूर कभी ना कभी सुनने मिला होगा। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अच्छे से इसको समझेंगे कि आखिर ये डिविडेंड शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है और किन लोगों को ये दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो डिविडेंड होता है ये बेसिकली यहाँ पर होता है प्रॉफिट का एक हिस्सा, यानी कि जो मुनाफा कंपनी ने कमाया है उसका एक हिस्सा होता है डिविडेंड। दोस्तों, आज शेयर मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं और वो जो कंपनियां जब प्रॉफिट अर्न करती हैं तो यहाँ पर वो जो प्रॉफिट होता है वो उसको अपने शेयर होल्डर्स के अंदर बांट देती हैं, यानी कि जिन जिन लोगों के पास उस कंपनी की हिस्सेदारी होती है, जिनके पास उनके शेयर्स होते हैं, उनके बीच में इस प्रॉफिट को, इस हिस्से को बांट दिया जाता है और इसी को हम कहते हैं डिविडेंड। दोस्तों, यहाँ पर ये जो डिविडेंड होता है इसको या तो पर शेयर के हिसाब से बांटा जाएगा, यानी कि जिसके पास जितने शेयर्स हैं उसके हिसाब से, या फिर इसको परसेंट के हिसाब से बांटा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास जितने परसेंट शेयर्स हैं कंपनी के उस हिसाब से। दोस्तों, ये जो डिविडेंड होता है इसको या तो क्वार्टरली यानी कि तिमाही पर दिया जाता है, या फिर सालाना यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होती है तब इस डिविडेंड को पे किया जाता है। आज दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, फिर चाहे वो मुकेश अंबानी हो, पैसे वाले हो, या बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, एलोन मस्क हो, या फिर कोई भी बड़ा आदमी हो, इनके जो ज्यादातर पैसा होता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो ऐसी कंपनियों के अंदर होती है जो डिविडेंड पे करती हैं, यानी कि डिविडेंड देती हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के पास डिविडेंड देने वाली कंपनी के अंदर शेयर्स हैं उसके लिए एक रेगुलर इनकम या फिर पैसिव इनकम का काम करता है ये डिविडेंड। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो डिविडेंड होता है ये ऐसा नहीं है कि हमेशा कैश के रूप में दिया जाए, यानी कि पैसे के रूप में दिया जाए। डिविडेंड कई बार स्टॉक्स के रूप में दिया जाता है। जैसे कोई डिविडेंड बांटने वाली कंपनी है, वो जितने रुपए का या जितने अमाउंट का उसको डिविडेंड देना है उतने अमाउंट के एक्स्ट्रा शेयर्स वो अपनी कंपनी के उसको दे देता है। इसी के साथ एक होता है प्रॉपर्टी डिविडेंड, जिसके अंदर कोई भी एक ऐसा एसेट कंपनी देती है, वो टेंजिबल या इनटेंजिबल दोनों हो सकता है, कोई भी एसेट्स दे देती है जिसकी मार्केट की कोई वैल्यू हो, जितना अमाउंट उसको डिविडेंड के तौर पर देना है उतने अमाउंट का कोई एसेट उसको दे दिया। एक होता है स्क्रिप डिविडेंड। दोस्तों, ये जो स्क्रिप डिविडेंड होता है ये बेसिकली एक तरह का एक वाउचर होता है जिसको बाद में शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये कई तरह के डिविडेंड होते हैं यहाँ पर, जो कि कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ पर देने का काम करती हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के समय में जितने भी शेयर मार्केट के अंदर कंपनियां हैं उनमें से बहुत ही कम कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने का काम करती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो डिविडेंड देने वाली कंपनी है उनके अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये डिविडेंड क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।